मणिशंकर पाणिग्रही जी हैं उड़ीसा से, उनका प्रश्न है कर्मकांड से संबंधित सार्वजनिक प्रश्न है। देखिए वे पूछ रहे हैं कि कलश पर नारियल कैसे रखना चाहिए और क्यों रखना चाहिए, किस दिशा में मुंह करके रखना चाहिए, और कलश से संबंधित ही नारियल से संबंधित ही एक प्रश्न और है। प्रशांत वैश्य झुंझुनू राजस्थान से, उनका कहना है कि यदि हम किसी देवी देवता पर नारियल समर्पित करते हैं तो उसको तोड़ने पर यदि वो खराब निकलता है तो लोग अच्छा मानते हैं, क्या ये ठीक है? वो यदि खराब निकलता है तो किसका संकेत करता है, कैसा है? अच्छा निकलता है तो कैसा है? देखिए इन सभी प्रश्नों के उत्तर देखिए शास्त्रीय ढंग से। विगत कई वर्षों से कई पंडित लोग भी हमको पूछते रहते हैं कि भाई नारियल कैसे रखना चाहिए, चित्रों में देख करके या कहीं सीरियलों में देख करके वो समझ लेते हैं कि कलश के ऊपर खड़ा नारियल रखा होता है अधोमुख, क्या ये ठीक है, ऐसे ही रखने लगते हैं? अरे भाई ये निषिद्ध है। देखिए शास्त्र क्या कहते हैं, यज्ञ मीमांसा में इसका निर्णय स्पष्ट किया गया है और सभी दिशाओं का निर्देशन किया गया है कि अधोमुखम शत्रु विवर्धनाय, यदि आप अधोमुख रखते हैं नारियल को तो वो शत्रु की वृद्धि करने वाला होता है। वो कैसा भी शत्रु मान लीजिएगा, बाह्य शत्रु और आभ्यंतर शत्रु, काम क्रोध आदि को बढ़ाने वाला होता है, ये आभ्यंतर शत्रु है। और ऊर्ध्वस्य वक्त्रम बहुरोग वृद्धि, अगर नारियल का मुख ऊपर को करके रख दिया जाए तो बहुरोग वृद्धि, बहुत रोगों की वृद्धि का कारक बन जाता है, रोग बढ़ते हैं। और प्राची मुखम वित्त विनाशनाय, और यदि यजमान जो बैठा है उसको पीठ करके उसका मुंह पूर्व को कर दिया जाए, यजमान की तरफ उसका पुच्छ भाग कर दिया जाए तो बोले वित्त विनाशनाय, तो वित्त विनाशक हो जाता है अर्थात धन हानि करता है। तो कैसे रखना चाहिए, तस्माच्छुभम सम्मुख नारिकेलम, इसलिए नारिकेल सम्मुख होना चाहिए, नारिकेल को अपनी तरफ रखे और उसको आप मुख जो इधर वो आंख होती है उसमें वो यजमान की तरफ मुख होना चाहिए। तो सामान्य रूप से पूजन आदि करते हैं तो पूर्वाभिमुख होकर के करते हैं, तो कलश पर नारियल न खड़ा रखा जाए न किसी भी दिशा को मुंह की करके रखा जाए, लेटा के रखा जाए और वो भी अपनी ओर मुख करते हुए यजमान की ओर मुख अभिमुख करके नारियल का स्थापन करना चाहिए, ये शास्त्र का निर्देश है। यही समस्त पद्धतिकारों ने अपनी अपनी पद्धतियों में लिखा है और गुरुजन भी इसी को बतलाते हैं। अब कहा था कि भाई नारियल ही क्यों रखना चाहिए, शास्त्रों में इसकी आज्ञा है कि कलश के ऊपर नारिकेल का स्थापन होता है जिसे श्रीफल कहते हैं, श्रीफल की स्थापना की जाती है। अगर सामान्य रूप से कलश के ऊपर नारिकेल रखने की पद्धति मिलती है, परंतु यदि कलश के ऊपर प्रधान देवता कोई मूर्ति को रखना है तो पूर्ण पात्रांत ही कलश स्थापन होता है, पूर्ण पात्र रख गया बस उसमें नारिकेल नहीं रखते हैं, फिर उसमें वो मूर्ति जो होती है स्वर्ण आदि की अग्नोत्तारण आदि विधि करके फिर उसको रखते हैं। और यदि एक से अधिक कई देवता हैं तब भी वहाँ उतनी सुपारी भी रख सकते हैं। अगर किसी के पास नारियल नहीं है तो पूर्ण पात्र में क्रमुक यानी सुपारी को भी रखा जा सकता है, ये भी शास्त्र निर्दिष्ट है। अब हमारे झुंझुनू वाले भैया ने पूछा था कि भाई अगर नारियल किसी देवता पे समर्पित करते हैं और वो यदि खराब निकल जाता है तो किसका संकेत करता है। अरे भाई देखिए किसी भी देवता को या किसी भी व्यक्ति को हम समर्पित करें तो यदि सुंदर फल होगा, पक्व होगा, मिठास युक्त होगा, श्रेष्ठ होगा तो वो व्यक्ति प्रसन्न होगा। तो यही नियम है पूजन में भी,
यथा देहे तथा देवे, जैसा हम अपने लिए व्यवहार करते हैं ऐसा ही देवता के पूजन में व्यवहार करना चाहिए। ये है, तो देवता को भी स्वपक्व फल है ना, आता है भगवान सत्यनारायण की कथा में स्वपक्वम कदली फलम, पके हुए फल और अखंड रित फल समर्पित करते हैं, जो जिस काल का है, ऋतु कालोद्भव, जिस ऋतु में जो उत्पन्न होता है उसी फल को, और वृण आदि रहित पका हुआ सड़ा गला नहीं होना चाहिए, ऐसा समर्पित करते हैं। तो भाई नारियल में कैसे पता चले नारियल अंदर कैसा है, तो इसके लिए उपाय है कि नारियल को, हरे नारियल को समर्पित करते हैं। हरा नारियल माने गिरी युक्त, जो ऊपर से जटा जैसा लगता है पर वो सूखा नहीं होता, उसमें थोड़ा पानी होता है और अच्छी गिरी बन जाती है, उसको समर्पित करना चाहिए। उसमें जल भी होता है और पकी गिरी होती है। तो हमारे पूज्य गुरुदेव हमेशा हर यज्ञ में, चाहे कितने भी कलश लगे हैं, चाहे कितने भी नारियल हों, उन्हीं को मंगाते हैं। शुष्क फल को वो निषिद्ध करते हैं कि अरे इसका पता नहीं है, ये तो प्रायः खराब ही निकलते हैं, वो छोटे होते हैं या कोई उनको वो गिर जाते हैं, कच्चे होते हैं, तो उनको रख दिया जाता है और वो ऐसे पूजा पाठ में चलने लगे। एक नारियल तो ऐसा आता है कि उसको आप जो है तोड़ नहीं सकते। हमने कई दिन पहले कुल्हाड़ी से तोड़ा, वो जो है प्रायः विवाह में लग्न फलदान में रखते हैं या कुछ भी रखते हैं, तो वो तो बिल्कुल कच्चा गिरा हुआ एक सामने से काट देते हैं, और पूजन का आप कह दें तो लोग उसी को देते हैं। दुकानदारों को भी पता है कि इसका कुछ काम नहीं है, बस पूजा में जाएगा। वो तो बिल्कुल बर्बाद और बकवास चीज है, उसको आप कुल्हाड़ी से तोड़ेंगे तो हो सकता है कि हाथ पैर टूटे या कुछ बेंट टूट जाए, वो बड़े मुश्किल से टूटता है और उसके अंदर का भी कुछ निकलता नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही जो है सड़ा गला कोई पदार्थ निकलता है। तो ऐसे तो अशुभ सूचक ही हैं, ऐसे फलों का समर्पण नहीं होना चाहिए। मुख्य बात है कि जिसकी संभावना सही हो और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा श्रेष्ठ और सुंदर पक्व फल लेकर के और हरा ही नारियल समर्पित करना चाहिए, अन्यथा ठीक नहीं है। ठीक है जी, हर हर महादेव।